Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD Styler's SolidWorks tutorial series. So friends, आज की इस वीडियो में हम एक 2D की एक्सरसाइज करेंगे और 2D को हम 3D में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं आज हम वो देखेंगे, ठीक है? So आइए friends start करते हैं, part modeling में चले जाएंगे. So ये हमारे पास friends 2D की drawing है जिसे हमें यहाँ पे बनाना है. तो हमारे पास क्या क्या dimensions दे रखी है, देखिए हमें स्टार्ट करना है यहाँ से. हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मेरे लिए ये बनाना इजी रहेगा. तो मेरे पास एक डायमेंशन है 12, तो मैं क्या करूंगा इसे हाफ बना के मिरर कर दूंगा. तो हमारे पास ये 12 की लेंथ है, तो हम इसे बनाएंगे, हमारे पास हाफ हो जाएगा 6, फिर 10, फिर अगेन यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन दे रखी है 50 की, तो इसे यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 25 हो जाएगी. और उसके बाद ये लेंथ है मेरे पास, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास 40 दे रखी है, तो ये लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप रेडियस 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33, तो ये लेंथ 33 हो जाएगी. नेक्स्ट आपके पास दो सर्कल आ जाएंगे और आप एक लाइन लगाओगे एंगल पे. अब एंगल नहीं दे रखा बट यहाँ से डिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ से मैं एक लाइन लेके ये डिस्टेंस क्रिएट कर लूंगा और ये वाली लाइन लगा लूंगा 12 mm की, और यहाँ से लाइन लेके मैं इसे टेंजेंट कर दूंगा, तो ये मेरा हाफ कम्प्लीट होने के बाद इसे मैं मिरर कर दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं, स्केचिंग ऑन कर देते हैं यहाँ पे, तो स्केच मॉड्यूल ऑन हो गया. लाइन सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से मैं इसे रफली ड्रॉ कर दूंगा, बाद में मैं इसकी डायमेंशंस भी ले सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या डायमेंशंस आ रही है, 12 आ रही है, 10 आ रही है, और यहाँ पे कितनी है 25, और यहाँ पे कितनी हमने कैलकुलेट की थी 33. सो यहाँ पे हम स्मार्ट डायमेंशन से वैल्यूज ले लेंगे, 6 आ जाएगी मेरे पास, ये डायमेंशन कितनी है 10 आ जाएगी, ये कितनी है यहां से लेकर यहां तक कितनी आएगी 25, और ये वाली जो अकेली डायमेंशन थी कितनी थी मेरे पास 33. ओके, सो इसके बाद हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 120, तो ये कितना आ जाएगा 60. सो यहां से लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी 60 mm, हाफ लेके चल रहे थे 60 हो जाएगी. देन अभी यहाँ पे हमारे पास रेडियस था कितने का 7 mm का, तो 40 लेंथ थी, 40 में से अगर मैंने 7 माइनस किया तो ये वाली लेंथ आ जाएगी मेरे पास, तो 33 थी प्लस 7 करेंगे तो कंप्लीट 40 हो जाएगी. तो ये वाली लाइन लगाने के बाद यहाँ पे दो सर्कल लगा लेंगे हम, तो ये लेंथ मेरे पास कितनी है 7 mm की, और यहाँ पे हम दो सर्कल लगा लेंगे, तो आप देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी. एक सर्कल और ले लेते हैं यहाँ पे, और इन दोनों की डायमेंशंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक हमारे पास है यहाँ पे 7 mm का डाया है और एक 7 mm का रेडियस है, इट मींस 14 का डाया हो जाएगा. सो 7 mm का एक डाया हो जाएगा और एक मेरे पास डाया हो जाएगा 14 का, तो आप देख सकते हैं ओवरड्राइव हो रहा है, तो इट मींस ये ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया था. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ से अभी सारा स्केच जो मेरा ब्लैक है, और यहाँ पे जो आपके पास दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है, फुली डिफाइंड, इट मींस अभी तक मेरा स्केच जो है वो फुली डिफाइंड आ रहा है. इसके बाद हमें ये डिस्टेंस क्रिएट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 + 40, और 10 mm ये है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 90, प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 60. ओके, सो हाफ वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, और लेंथ ये वाली कितनी हो जाएगी 12, और उसके बाद ये ज्वाइन कर देंगे हम. सो यहां से मैं एक लाइन ले लेता हूं, इनको डिफाइन कर लेते हैं. सबसे पहले मेरी ये वाली लेंथ कितनी आएगी 90, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसे डिफाइन करता जा रहा हूँ ब्लू स्केच ब्लैक में हो रहा है, ठीक है? इसे मैंने 30 में कर दिया, और ये लेंथ मेरे पास कितनी आ जाएगी 12 mm. ओके, सो यहाँ से एक लाइन लेनी है और इसके साथ हमें टेंजेंट कर देना है. तो अभी ये टेंजेंट हुआ नहीं है, देखिए ज्वाइन जरूर हो गया पर टेंजेंट नहीं हुआ, तो टेंजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कंट्रोल प्रेस करेंगे दो एंटिटीज को जिन दोनों के बीच में रिलेशन एड करना है, तो जैसे कि
मैंने कंट्रोल प्रेस किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे रिलेशन आ जाएंगे। रिलेशन में मेरे को क्या ऐड करना है, टेंजेंट। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टेंजेंट हो चुका है, और साथ ही ये स्केच ब्लैक भी हो गया। ओके, अभी तो क्या आ रहा है, फुली डिफाइंड आ रहा है। ओके, सो इसके बाद देखते हैं अभी और क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ पे एक लेंथ आ रही है आपके पास 32 की, और ये टोटल लेंथ कितनी है 60, और यहाँ पे एक सर्कल भी आ रहा है जिसका डाया कितना दे रखा है 32, तो वो सेमी सर्कल है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक लेंथ ये लेंगे और एक लेंथ ये लेंगे। ठीक है, सो इसकी डायमेंशन कितनी है मेरे पास, 30 है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है, मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ओवर डिफाइन जा रही है। और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है मेरे पास, 32, तो इसे हम डिफाइन कर देंगे, तो आप देख सकते हैं अभी भी फुली डिफाइंड आ रहा है। ओके, और इसके बाद क्या है हमारे पास, देखिए कि ये वाला स्लॉट है मेरे पास, तो इसकी डायमेंशन कितनी है, 38 लेंथ है मेरी, और स्लॉट की विड्थ कितनी है, 10 mm। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और नोट करना, देखिए ये अगर आपके पास प्री कोई स्केच बना हो, जैसे मेरे पास ये स्केच बना हुआ है, तो अगर इसी के साथ अगर आपने कोई स्केच बनाना, तो इसको ऑटोमेटिक ट्रेस करता है। तो यहाँ पे देख ली, ऑटोमेटिक ट्रेस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अगर यहां से मैं इसको बनाना स्टार्ट करूं, ठीक है, और देखिए अभी भी डिफाइंड आ रहा है बिकॉज मैंने इसके पैरेलल ये बना लिया, इसको ट्रेस करते हुए इसमें बनाया, तो अभी तक ये फुली डिफाइंड जा रहा है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूं तो ओवरड्राइव हो रहा है बिकॉज ये कंस्ट्रेंट हो चुका है। ठीक है, मैंने इसके पैरेलल बना दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा बाहर बनाना पड़ेगा, आउट ऑफ द ट्रेस। सो यहां से अगर मैं डायमेंशन देखूं, तो टोटल विड्थ कितनी थी मेरी, 10 थी, हाफ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और लेंथ कितनी आ रही है इसकी, 38। ओके, सो इसे ज्वाइन कर देंगे अभी। ओके, सो इस तरह से आपके पास ये स्केच आ जाएगा, और जो स्केच नहीं चाहिए उसे आप ट्रिम कर सकते हैं। और उसके बाद अभी मुझे मिरर करना है, तो मिरर करने के लिए मुझे क्या करना है, ये वाली लाइन जो है मिडल लाइन नहीं चाहिए, तो सेंटर लाइन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड बना दूंगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, तो मैं इसे कंस्ट्रक्टेड बना दूंगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी मिरर करेंगे, सो सिलेक्ट मिरर, सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट, और सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं। मिरर अबाउट, किसके अबाउट करना, मुझे सेंटर लाइन के अबाउट करना है, सो मैंने सेंटर लाइन पिक की, और आप देख सकते हो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसके बाद एक चीज और आ गई है मेरा, यहाँ पे सर्कल जो बनाना था, सर्कल यहाँ पे कितना है, 32 का डाया है मेरे पास, सो यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं एक, और उसका डाया कितना हो जाएगा, 32, और इसके बाद इसे ट्रिम कर देंगे। तो जैसे मैंने इसे ट्रिम किया, देखिए यहाँ पे अंडर डिफाइंड हो गया बिकॉज काफी चीजें यहाँ पे अभी मेरे पास मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं की है, तो यहाँ पे कुछ चीजें डिफाइन करके देखते हैं। जैसे मैंने ये वाली डायमेंशन जो है अभी डिफाइन नहीं की, तो मैंने इसे डिफाइन कर दिया। देन यहाँ पे एक एंगल आ रहा है, एंगल को भी डिफाइन कर लेते हैं, तो इस तरह से आपके पास ये एंगल आ रहा है, तो मैंने दो चीजें डिफाइन की, अभी ये स्केच जो मेरा फुली डिफाइंड हो गया। ओके, सो इस तरह से आप इसे डिफाइंड कर सकते हैं। सो ये मेरा स्केच कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये स्केच आ रहा है। तो भी आपने क्या करना है, एक्सट्रूड करना है, उसके लिए क्या करना है, स्केच सिलेक्ट करोगे आप और एक्सट्रूड करोगे, आपके पास काफी सारे स्केचेस आ रहे हैं ना, तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए मेरे पास एरिया शो कर रहा है कि किसको एक्सट्रूड करना है। ओके, सो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रही है कंट्यूर, सिलेक्ट कंट्यूर्स। ठीक है, तो सिलेक्ट कंट्यूर का मतलब क्या है, किसी एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को, जैसे अब मेरे पास काफी सारे स्केचेस आ गए हैं, तो इसमें से अगर मेरे को मान लो इसी एरिया को सिलेक्ट करना है और इसे एक्सट्रूड करना है, तो सिलेक्ट कंट्यूर की ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर लेगा वो। ओके, सो अगर मैं इसे नहीं करना चाहता, तो मैं क्लियर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं वापस हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से जैसे मान लीजिए मेरे पास ये स्केच आ रहा है, ये स्केच आ रहा है, और ये मिडल एरिया आ रहा है, और ये मिडल एरिया आ रहा है, इसको मैंने एक्सट्रूड करना है, और ये भी मैंने एक्सट्रूड करना है। ठीक है, ये सारा एरिया मुझे एक्सट्रूड करना है। ठीक है, तो किस तरह से एक्सट्रूड करेंगे, हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। पहला
पहले तो आ रही है ब्लाइंड। ब्लाइंड में क्या होगा, आपने जो भी वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए मैंने 30 वैल्यू दे दी, तो आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में ये 30 वैल्यू को एक्सट्रूड कर रहा है। और इसमें अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, देन आपके पास आ जाएगा अप टू द वर्टेक्स। तो अप टू द वर्टेक्स का क्या मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए इसके सामने भी कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, तो आप इसको एक्सट्रूड करना चाहते हो, तो उस ऑब्जेक्ट की अगर आपने एज सिलेक्ट कर ली या पॉइंट सिलेक्ट कर लिया या एक्सेस सिलेक्ट कर ली, तो वहां तक भी ये एक्सट्रूड हो जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन है आपके पास अप टू द सरफेस। अगर आपके पास कोई एक्सट्रूड बॉडी है या कोई सरफेस बॉडी है, तो अगर आपने उसे सरफेस को सिलेक्ट कर लिया तो वहां तक भी ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस मतलब आपके पास जो यहाँ पे सरफेस आ रहा है वहां से अगर आपने डिस्टेंस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस फिल कर सकते हैं। अभी मेरे पास सरफेस भी नहीं है, अभी मेरे पास वर्टेक्स भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं पाऊंगा प्रैक्टिकल करके, बट इन द एग्जाम्पल जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे ये एग्जाम्पल्स भी आपको मैं करवाता जाऊंगा। बट अभी आपको इसका मीनिंग समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा अप टू द बॉडी। सेम वही केस है, अगर आपके पास सरफेस है तो आप सरफेस सिलेक्ट कर लीजिए, बॉडी है तो बॉडी सिलेक्ट कर लीजिए। और जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास मिड प्लेन, ये यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। मिड प्लेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू दी दी है, मान लीजिए आपने 40 वैल्यू दी है, तो जो स्केच होगा वो सेंटर पे रहेगा और जो 40 वैल्यू है वो बोथ द साइड्स बोथ द डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगी। इस साइड मेरी 20 है, इस साइड भी मेरी 20 डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ब्लाइंड करूं तो ब्लाइंड में क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, आप जिस भी डायरेक्शन को सिलेक्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ब्लाइंड और मिड प्लेन, ये मिड प्लेन को यूज कर सकते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मिड प्लेन ही मैक्सिमम टाइम यूज करें, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आगे जैसे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाता जाऊंगा, जैसे जैसे आपको डिजाइन करवाता जाऊंगा, वो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस से आप समझ जाएंगे कि मिड प्लेन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। और इसके बाद अगर मान लीजिए इसी स्केच के ऊपर आपने दोबारा से एक्सट्रूड या एक्सट्रूड कट करना है, तो आप उस स्केच को दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉप डाउन जाना है और यहाँ पे आपके पास ये स्केच आ जाएगा जो आपने एक्सट्रूड किया था, ठीक है। सो उसी स्केच को दोबारा सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक्सट्रूड कट कर दीजिए, ठीक है। तो अब एक्सट्रूड कट किसको करना है, कंट्यूर सिलेक्ट पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मुझे इसे एक्सट्रूड कट करना है। तो आप देख सकते हैं सेंटर से ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे इसी डायरेक्शन में कट करना है, चाहे आप इस डायरेक्शन में कट कर लीजिए चाहे इस डायरेक्शन में, ठीक है, आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सेंटर से ये इतना पोर्शन कट हो गया है। ओके, सो फ्रेंड्स इस तरह से आप एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट को अप्लाई कर सकते हैं। 2D स्केच भी हमने यहाँ पे बनाया और उसे एक्सट्रूड किस तरह से कर सकते हैं हमने वो भी देखा, और एक्सट्रूड कट किस तरह से कर सकते हैं हमने वो भी देखा। और उसके बाद एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट में हमने क्या देखा कि अलग अलग रीजन्स को मल्टी स्केचेस के अंदर अलग अलग रीजन्स को किस तरह से अलग अलग एक्सट्रूड कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, आपको अगर ये एजेस नहीं देखनी है, जैसे आपके पास ये वाली लाइंस आ रही हैं, अगर आपको ये नहीं देखनी है तो आप इसको शेडेड में चेक कर सकते हैं, और हिडन लाइन रिमूव करना चाहते हो तो आप हिडन लाइन रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपने हिडन लाइन विद विजिबल देखना है तो आप इस तरह से हिडन लाइन को देख सकते हैं, और अगर आपने वायर फ्रेम में चेक करना है तो इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो एक्सरसाइज की 2D में या फिर 3D में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी अवेलेबल है और हमारे सोशल मीडिया पे भी हम हैं, सो सोशल मीडिया की भी लिंक आपको मिल जाएंगे वहां पे, आप वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मेल आईडी भी अवेलेबल रहेगी, आप वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much.